तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों CTET आंसर की को लेकर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से CTET की यहां पर दोस्तों आंसर की को लेकर फाइनली यहां पर अनाउंसमेंट कर दी गई है कि जो CTET की यहां पर आप सभी की आंसर की है वो कब तक जारी की जाएगी। क्योंकि डायरेक्ट ही ये अपडेट यहाँ पर अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि जो CTET की आंसर की है वो कब जारी होने वाली है और उम्मीदवारों को ऑब्जेक्शन करने के लिए कितना टाइम दिया जाएगा आंसर की जारी होने के बाद। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूँ, तो बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन के साथ, क्योंकि इसमें आपको पता है कि ओवरऑल पेपर वन पेपर टू में यहाँ पर जो है 29 से 30 लाख के बीच में उम्मीदवारों ने एग्जाम दिया है। पेपर वन के अंदर 15 लाख उम्मीदवार हैं और पेपर टू के अंदर 14 लाख प्लस उम्मीदवारों ने इस वैकेंसी के लिए इस परीक्षा को दोस्तों यहाँ पर जो है पूरी किया है 20 अगस्त को। पर दोस्तों अभी तक यहाँ पर जो आप सभी के प्रोविजनल आंसर की को यह लेकर आप सभी की लगातार यहाँ पर डिमांड है कि जल्द से जल्द जो है आप सभी की आंसर की को जारी किया जाए। तो इसी को लेकर दोस्तों यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जो मैं आप सभी को देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि ये लाइव अपडेट इसमें बताया जा रहा है कि CTET आंसर की 2023 लाइव अपडेट है दोस्तों, स्टेप टू डाउनलोड यहाँ पर CBSE CTET 2023 आंसर की को लेकर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो CBSE है वो कब आप सभी की जो आंसर की है वो जारी करेगा, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CTET आंसर की 2023 लाइव अपडेट है, क्योंकि CBSE CTET 2023 आंसर की अवेटिंग, यानी कि दोस्तों यहाँ पर लाखों उम्मीदवार जो है इंतजार कर रहे हैं। तो उनकी इंतजारी घड़ियाँ कब खत्म होने वाली है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ओवरऑल 29 लाख कैंडिडेट जो हैं एग्ज़ाम बीस यहाँ पर दिए हैं, जिसमें कि दो पेपर हुए थे, जिसमें कि 6 से 8 लेकर यहाँ पर 15 लाख कुछ हैं और 1 से लेकर 5 तक में जो पहला पेपर है उसमें इतने उम्मीदवार हैं, यानी कि दोस्तों ओवरऑल जो उम्मीदवारों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। साथ ही दोस्तों जो आप सभी की जो यहाँ पर प्रोविजनल आंसर की है वो कब जारी होगी, तो दोस्तों सूत्रों की माने कि यह बताया जा रहा है कि आने वाले समय यानी कि दोस्तों 10 से 12 के बीच में आप सभी की जो है CTET की प्रोविजनल आंसर की को जारी किया जाएगा और उसके बाद आप सभी को ऑब्जेक्शन करने की यहां पर जो है डेट भी उसी नोटिस में अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तो उम्मीदवारों को कुछ समय और इंतज़ार करना पड़ेगा और इसके बीच जल्द ही आप सभी की जो CTET की आंसर की है वो यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।